हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है आवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर, और ये बुक लिखी है सुदीप नगरकर ने। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। अब बात होती है 30 अप्रैल 2016 की। जो प्रोफेसर होता है ना, वो कहता है जो हिंदू सोसाइटी है ना, वो सबसे ज़्यादा कट्टरवादी सोसाइटी है पूरी दुनिया में। अब ना अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता है क्लास में, और कहता है ना कि जो हमारा इतिहास है उसमें ना बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है हमेशा से ही। अब एक लड़का होता है ना, अचानक से वो एकदम प्रोफेसर को चैलेंज करता है। वो कहता है जो हिंदुज़म है वो तो शांति के बारे में है सारा कुछ, और जो हिंदुज़म है ना उसमें ये कहते हैं कि भाई जो आपके अंदर का शैतान है आप उसको दबाओ और अच्छाई को लेके आओ, है ना। इसमें वॉयलेंस की बात कहाँ से आ गई। आप एक महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आप झूठी झूठी कहानियाँ बता रहे हो बच्चों को। अब ये मोमेंट था जो कृष्णा था ना ऑल इंडिया स्टूडेंट काउंसिल का, वो ना रास्ते से जा रहा था कॉरिडोर से। अब डिस्कशन सुनने के बाद ना वो क्लास में आ जाता है, और जो कृष्णा होता है ना उसने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन रखे होते हैं, कैजुअल सी शर्ट जीन्स और चप्पल। और जो डिबेट होती है ना वो कॉलेज के ख़त्म होने के बाद चल रही थी, क्योंकि जो वर्किंग आवर था ना वो ख़त्म हो चुका था, और यह चीज़ ना इनके कॉलेज में बड़ी आम बात थी। अब जो कृष्णा होता है ना वो कहता है भाई सलाम सबको, अब हर कोई ना उसको सलाम करता है। अब जो कृष्णा होता है ना वो स्टूडेंट की तरफ देखता है और कहता है ना हम किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं जो चाहती है, जो माइनॉरिटीज़ पे ना अत्याचार करती है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं भी एक बैकवर्ड फैमिली से आता हूँ, मुझे पता है कैसा लगता है। और वो लोग चाहते हैं ना कि हिंदू राज आ जाए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऊंची कास्ट वाले हैं ना उनको सब कुछ मिले, और जो नीची कास्ट वाले हैं ना उनको कुछ भी ना मिले, और तो उनको पॉलिटिक्स में भी ना जाने दिया जाए। अगर यही सब चलता रहा ना तो जो नीची जाति के लोग हैं वो हथियार उठाएंगे, अगर वो हथियार उठाते हैं तो उन्हें नक्सलाइट कहा जाता है, और अगर हथियार कोई और उठा लेना तो उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। अब जो स्टूडेंट था ना, अब तक जो ऑब्जेक्शन कर रहा था, वो भी चुपचाप शांति से बैठ के सुन रहा होता है बातें कृष्णा की। अब जो कृष्णा है ना वो कहना शुरू करता है कि आज के टाइम पे ना जो राष्ट्रवाद है वो बस अपने पड़ोसी को गाली देने के लिए और कुछ भी नहीं, और सिर्फ जो ब्राह्मण लोग हैं ना उनको ये दिया जा रहा है आज़ादी कि वो बोल सके, जबकि जो डॉक्टर अम्बेडकर थे ना उनको तो बस एक दलित की तरह याद किया जाता है, एक स्कॉलर की तरह नहीं। और हमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए देशभक्ति का अखिल भारतीय छात्र परिषद से। जो फासिस्ट लोग हैं ना वो चाहते हैं कि जो उनकी आइडियोलॉजी है हर कोई इसको ब्लाइंडली फॉलो करे, और अगर कोई भी उनसे सवाल जवाब बिल्कुल भी ना करे। और वो लोग ना हमारी जो बोलने की आज़ादी है हमें उस पर भी नहीं बोलने देते जब हम बात करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। अब जब कृष्णा बोल रहा होता है ना, इतने में क्या होता है सारे लोग होते हैं ना वो तालियां बजाने लगते हैं। अब जो कृष्णा होता है ना वो कहता है इतने सबके बावजूद भी ना जो हमारा पूरा विश्वास है वो भारत के संविधान में, और अगर कोई भी उसको चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो हम फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमें जब उन्हें जवाब देना होगा ना तो हम फिर वॉयलेंस के थ्रू ही देंगे। जो कास्ट सिस्टम है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पूरे कंट्री में, और इसकी वजह से ना जो हमारा कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, और तो और ये सब कुछ ना जो ब्राह्मण्स थे उनकी वजह से हो रहा है, और उन्होंने ना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। और हमें ना लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है कास्ट सिस्टम के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हमें हर एक प्राइवेट सेक्टर में भी ना रिजर्वेशन लेना चाहिए, तभी हम लोग इक्वली खड़े हो पाएंगे, और हम लोग ना राइट टू लिव के लिए खड़े हो पाएंगे एक साथ। अब जब कृष्णा ने इतनी सारी स्पीच दी होती है ना तो उसके बाद जो प्रोफेसर और कृष्णा होते हैं ना दोनों उस सेशन को क्लोज करते हैं, और जब हर कोई निकल जाता है ना जो कृष्णा होता है वो उस लड़के के पास जाता है जिसने हिंदुज़म के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। अब जो स्टूडेंट था ना वो कृष्णा की एडवाइस पे क्लास में आया था, और तो अभी कुछ घंटे पहले ही ना उसके साथ भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और जो कृष्णा था ना उसने इन्फॉर्म कर दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना उनके राइट्स को प्रिजर्व करती है। अब जो लड़का था ना वो अभी भी थोड़ा सा झिझक रहा था। अब जो कृष्णा था ना उसको पता है कि भाई उसको ना आगे बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। अब वो कहता है ना देखो यार, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बड़ी यूथ लोगों के लिए है, हमारी जो कम्युनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा यंग है, और तुम्हारे जैसे लोग हमें पता है बहुत ज़्यादा सफ़र करे हैं, इसलिए जो हमारा मोटिव है ना वो ये है कि हम लोग ह्यूमैनिटी को फैलाएं, और इस वजह से हम चाहते हैं जो हमारे तरीके के लोग हैं ना उनको बेसिक एजुकेशन तो मिले ही मिले, और उनको ये बताया जाए ना कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाए। और जो हमारा कोर सेक्शन है ना AIAC का, जहाँ पे बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से प्रोफेसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, और हमें बताते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे अच्छे काम के लिए। अब जो लड़का होता है ना वो कहता है हाँ। अब ना थोड़ा कन्फ्यूज़ भी होता है, लेकिन जो कृष्णा की बातें होती हैं ना चिकनी चुपड़ी, वो
कृष्णा उसको फंसा लेता है अपनी बातों में, और जो कृष्णा होता है ना वो उसको यस बुलवा ही लेता है और अपने ग्रुप में ना उसको वेलकम करता है, उससे हाथ मिलाता है, और जो स्टूडेंट होता है ना वो भी खुश होता है, थोड़ा हाथ वाथ मिलाता है उससे। अब जो कृष्णा है ना वो कहता है, मैं ना तुम्हें एक टास्क देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, तुम में पूरा साहस है, तुम वो टास्क को कंप्लीट कर लोगे, और जब तुम एक बार वो टास्क कंप्लीट कर लोगे ना तो तुम्हारे स्कोप जो चांसेस है ना प्रमोशन के वो बढ़ जाएंगे, तुम्हें और ज़्यादा लोग जानेंगे, तुम्हें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। अब जो लड़का होता है ना वो कहता है, किस चीज़ के बारे में है ये टास्क? अब जो कृष्णा होता है ना वो कहता है, देखो तुम्हें ना कुछ पार्सल डिलीवर करने होंगे अम्बाला, आई नो थोड़ा दूर है लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब कुछ टेक केयर कर लिया जाएगा। क्या तुम कभी अम्बाला गए हो? अब वो लड़का कहता है, नहीं मैं तो कभी नहीं गया। अब कृष्णा कहता है ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो हेल्प ऑफर करती है उन लोगों को जो कि जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, तो हम ना उनको पार्सल देते हैं, और हमारे पास ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच में रहते हैं ताकि वो पार्सल ना सेफली दूसरी जगह पहुंच जाए। अब जो लड़का होता है कहता है, पार्सल? अब जो कृष्णा होता है ना वो कहता है, उन पार्सल के अंदर ना किताबें होती हैं, स्टेशनरी का सामान होता है, और तुम्हें ना उनको अम्बाला डिलीवर करना है। अगर एक बार तुम उसको डिलीवर कर दोगे ना तो तुम्हारा जो पहला कंट्रीब्यूशन है इस मूवमेंट के खिलाफ, क्रांति के खिलाफ, वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ये देख के तो ना जो कृष्णा होता है वो उसको इतना इनकरेज कर देता है, और फिर कहता है ना, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और मुझे पता है कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आसानी से कर सकते हो, और तुम तो जानते ही हो ना हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, बच्चे हैं, वो कितना सफ़र करते हैं, है ना। अब ना कृष्णा ने ना उसको बिल्कुल अच्छे से अपनी बातों में फंसा लिया होता है। अब वो कहता है ना लड़का कि मुझे कब निकलना है। अब जो कृष्णा होता है ना वो कहता है, कल। अब अगली सुबह क्या होता है ना, जो लड़का होता है उसको पूरा काम बता दिया जाता है कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। एक कार ना बाहर खड़ी होती है और तो 5,000 रुपये उसको दे दिए जाते हैं ताकि उसको अपना खर्चा पानी निकाल ले। अब पूरी जर्नी ना उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है कि कैसे उसको कृष्णा ने कहा था और उसका पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। और जो लड़का था ना उसको भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, तो उसको भी ये लगता है ना कि भाई जो मेरे साथ हुआ ना वो बाकी दलित बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और तो जो इंडिया में ना जो रूलिंग क्लास है वो एलीट क्लास है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि जो ऊंची कास्ट वाले हैं वो लोग इंडिया को रूल करते हैं, और जो कृष्णा का मूवमेंट है ना क्रांति, वो अच्छे के लिए है, वो अच्छाई के लिए है, और मुझे ना अपना टास्क बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और जब ये लड़का अम्बाला पहुंचता है तो कोई उसको लेने आता है, इसकी आइडेंटिटी चेक करता है, उसको ना एक ओल्ड बिल्डिंग में लेके जाता है एक कमरे में, और उसको कहता है ना कि तुम यहीं पर रुको, आगे के तुम्हें इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे। और जिस जगह इसको ठहराया गया था ना वो जगह काफ़ी मतलब कंजस्टेड थी, और उसके मन में ना कुछ ख्याल तो आए थे कि कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन तब भी ना वो अपने आप को शांत रखता, उसका दिमाग अपना एक जगह लगाता है कि भाई मुझे टास्क फिनिश करना है। और इतने में क्या होता है ना, कोई उसके दरवाजे पे नॉक करता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है ना तो देखता है कि भैया पूरी गैलरी में कोई भी नहीं होता। अब इतने में क्या होता है, उसका ध्यान जब नीचे जाता है ना तो वहाँ पर एक लिफाफा रखा हुआ होता है, और लिफाफे के अंदर ना एक मैसेज होता है, और मैसेज में लिखा होता है डिलीवरी का एड्रेस और टाइम। अब उसको ये लगता है ना यार, किस कोई बंदा आके दरवाज़ा खटखटा के लिफाफा छोड़ के जा चला गया, इससे अच्छा तो मुझे लिफाफा ही दे देता। अब वो सोचता है ना कि भाई अब मुझे ना सिर्फ और सिर्फ ये टास्क कंप्लीट करना है क्योंकि कृष्णा ने मुझको ट्रस्ट किया है। वो फटाफट क्या करता है, कार में जाता है, जो एड्रेस होता है ना उसको गूगल मैप पे सेट कर देता है क्योंकि उसको पता है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी उसको निकलना पड़ेगा। और जैसे जैसे कार ना पतली पतली गलियों में जा रही होती है ना, वो भी थोड़ा टेंशन में आ रहा होता है। फाइनली उसको वो जगह दिख जाती है जहाँ पे उस गूगल मैप में उसने डाली होती है। अब वो क्या करता है ना, वो भी एक ओल्ड बिल्डिंग सी होती है, वो वहाँ ऊपर को जाता है सीढ़ियाँ चढ़ के, और जिस दरवाजे का एड्रेस लिखा होता है ना वो उस दरवाजे को खटखटाता है। अब अंदर से आवाज़ आती है ना, जो भी पार्सल आया ना उसको बाहर ही छोड़ दो, मैं अभी कुछ बिजी हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अब जो लड़का होता है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया होता है, वो कहता है कि आप श्योर हो ना इसके बारे में? अब अंदर से आवाज़ आती है, वो कहता है हाँ, कृष्णा ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। अब कुछ सेकंड के लिए तो ना उसको समझ में नहीं आता कि मतलब मैं ऐसे कोई चीज़ छोड़ के चला जाऊँ। वो क्या करता है ना, कोशिश करता है कृष्णा को कॉल करे, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा होता। अब उसको ना बड़ी झिझक होती है कि इतना भारी भरकम बॉक्स यहाँ किसी दरवाजे के सामने छोड़ के जा रहा है। अब जब वो वापस आ रहा होता है ना कॉलेज, तो उसको ना एक मैसेज रिसीव होता है कृष्णा की तरफ से। अब उस मैसेज में लिखा होता है ना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो मेरे आदमी थे ना उनको तुम्हारा बॉक्स मिल गया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, और तुम ऑफिशियली ना हमारे मेंबर हो क्रांति के। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।